नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 50 जिले। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, भीलवाड़ा में हुए बवाल को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के मामले को लेकर अपडेट मिल रहा है। जहाजपुर नगर पालिका ने नोटिस थमा दिया है। सदर जामा मस्जिद कमेटी को नोटिस थमाया गया है। नगर पालिका जहाजपुर ने जामा मस्जिद की बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे हैं। 24 घंटे के भीतर पट्टा और निर्माण स्वीकृति पेश करने का नोटिस दिया गया। पत्थरबाजी में आपको बताते चले कि 5 लोग घायल हो गए थे। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को डिटेन किया है। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, बड़ी कार्रवाई नगर पालिका की ओर से, नोटिस थमाया गया है, कुछ रिप्लाई आया है क्या जामा मस्जिद की ओर से? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी परिस्थितियों और हालातों को देखते हुए लगातार हिंदू संगठन और जो भक्त है वहाँ पे, जो उस बेवान रैली में थे, उस बेवान जुलूस में थे जिन पे हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, विधायक गोपी मीणा भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने 9 जनों को डिटेन भी कर रखा है और भी जनों को डिटेन करने की बात सामने आ रही है। इसको देखते हुए जो जहाजपुर नगर पालिका है उसने एक नोटिस थमाया है इनको, जामा मस्जिद जो कमेटी है उनको, और दस्तावेज पेश करने का 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि पालिका में उनको दस्तावेज, जो पट्टा निर्माण स्वीकृति है, वो जो स्वामित्व संबंधित जो दस्तावेज है वो उनको पेश करने हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और 24 घंटे बाद से पहले इनको दस्तावेज करने। लगातार प्रदर्शनकारी अभी भी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि आपने डिटेन, पुलिस, उनका कहना है कि पुलिस ने 9 जनों को डिटेन किया है, पर जो मुख्य हैं, जो लोग हैं, उन और लोगों को भी डिटेन किया जाए, उनसे कड़ी पूछताछ किया जाए और जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाए। जी, जिन 9 लोगों को पकड़ा गया है उनसे कुछ अपडेट मिल पा रहा है राहुल, की आखिर क्या मकसद, क्या वजह पत्थरबाजी के पीछे? जी बिल्कुल, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और पुलिस जल्द इस मामले में बातचीत भी करेगी। फिलहाल पुलिस ने इस बारे में और कोई अधिक जानकारी देने से मना कर दिया है क्योंकि इन लोगों से भी पूछताछ जारी है। नगर पालिका ने नोटिस थमाया है, क्या मस्जिद के निर्माण को अवैध माना जा रहा है, इसे लेकर कोई शंका जिसके बिना पर नोटिस थमाया गया हो? बिल्कुल, जो विधायक गोपीचंद मीणा है वो लगातार मस्जिद के निर्माण पर सवाल उठाते आए हैं। वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने बुलडोजर चलाने की भी बात कही है, जेसीबी चलाने की भी बात कही है। तो इसको देखते हुए जो नगर पालिका मंडल का जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पे आया है और उन्होंने जो मस्जिद कमेटी है उनको नोटिस थमाया है। मस्जिद कमेटी से बातचीत हो पाई आपकी, क्योंकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं निर्माण को लेकर अवैध माना जा रहा है, क्या उनकी ओर से कोई सफाई अब तक पेश की गई है? जी, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि मस्जिद कमेटी ने कोई अपने तरफ से कोई सफाई पेश की हो या कोई बात रखी हो, अभी भी किसी प्रकार की जानकारी ऐसे सामने नहीं आई है। कुछ अवैध निर्माणों को ध्वस्त भी किया गया है, तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे जी बताइए, सबसे बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि जेसीबी द्वारा जो वहां पे आसपास जो अवैध रूप से कैबिने बनाई गई थी, दुकानें बनाई गई थी, उनको भी लगातार जेसीबी द्वारा वहां से हटाया गया है और जो कार्रवाई है अवैध निर्माणों के खिलाफ वो भी वहां पे की गई है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में आज आक्रोश साफ नजर आ रहा था, अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही थी और इसको देखते हुए आज जो वहां का जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पे आ गया है। उन्होंने जो वहां पे अवैध निर्माण हो रहे थे, जो कैबिने अवैध रूप से बनाई गई थी, जो क्या एक तरीके से कहें जो संचालित करते हैं कैबिनों में अपना काम अवैध रूप से संचालित किया जाता है, उसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है और उन्हें ध्वस्त कर दिया है। जिन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया राहुल, क्या उनका इस पत्थरबाजी मामले से भी कनेक्शन है, इसे लेकर कोई अपडेट? जी, इस प्रकार की अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है, पर लगातार लोगों की डिमांड थी कि आसपास के क्षेत्र में जो इस प्रकार से अवैध कब्जे किए गए हैं, अवैध जो कैबिन है वो बनाए गए हैं, लगातार आज ये कंप्लेंट सामने आ रही थी, उसको देखते हुए प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। और बिल्कुल, पत्थरबाजी जैसे ही वहां पर की गई, जैसे ही वहां पर प्रदर्शन शुरू किया गया, वैसे ही वहां से अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई को तेज कर दिया गया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर जेसीबी के जरिए, पीले पंजे के जरिए वहां पर जो अतिक्रमण किए गए थे उन्हें हटाया जा रहा है। और जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि जामा मस्जिद कमेटी को भी नोटिस थमा दिया गया। 24 घंटे का वक्त दिया गया है ये बताने के लिए,
मस्जिद कमेटी को कि जो निर्माण है वो सही है, और अगर गलत पाया जाता है तो उसके बाद क्या राहुल, ये माना जाए कि मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा? जिस प्रकार से जो वहाँ का जो प्रशासन है, नगरपालिका प्रशासन है, जिस हिसाब से उन्होंने जो दस्तावेज मांगे हैं, वो जो दस्तावेज उनकी जांच भी की जाएगी, वो दस्तावेज उनसे लिए भी जाएंगे। अगर देखिए अवैध रूप से कोई भी कार्य होगा तो विधायक गोपी मीणा की भी लगातार यही मांग है, अगर ये अवैध है इनके दस्तावेज जांचे जाएं, इनसे दस्तावेज मांगे जाएं, और अवैध है तो इनपे कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई बनती है उसे किया जाए। ये जो कार्रवाई की जा रही है ध्वस्तीकरण की, क्या वो पूरी कर ली गई है, अभी वहां पर जारी है? देखिए कहीं ना कहीं जो देखिए जो रास्ता है जो वहाँ पे देवान का रास्ता है वो भी देखिए, जो आसपास के क्षेत्र का रास्ता है लगातार अतिक्रमणों से ठसा हुआ था, पर आज जनता में जो गुस्सा था वो लगातार प्रशासन से बहुत दिनों से भी मांग कर रहे थे, पर आज इनकी जो मांग है बहुत ही बढ़ चुकी थी। इन्होंने कहा कि देखिए इसके आपने पेपर मांग लिए हैं, और उसके पर जो ये कैबिने बनी हुई है, अवैध कैबिने बनी गई है, अवैध रूप से संचालन जो किया जा रहा है, इनको हटाए। लगातार देखिए ये कार्रवाई जारी है, देर रात है, पर अभी भी प्रशासन का जो पीला पंजा है इन पर लगातार चल रहा है। तो इस कार्रवाई के बाद क्या प्रदर्शनकारी संतुष्ट हो गए हैं, क्या माहौल वहां पर, और क्या कुछ और भी मांगे रखी गई है प्रदर्शनकारियों की ओर से, क्योंकि 9 लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है राहुल? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। देखिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, 9 जनों को डिटेन किया गया है, पर अभी भी इनकी मांग है कि अगर कोई और आरोपी बच रहा है या कोई इनका मुख्य सरगना है, किसके कहने पे काम किया गया है, और क्यों आज के दिन पर ही ये काम किया गया है जब बहुत बड़ा त्योहार है उस पे काम किया गया है, तो कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत पूरा जो शांत माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए काम किया गया है। तो ये भी इनकी मांग है कि उस सरगना को पकड़ा जाए, इनके पीछे कोई लोग हैं तो इनसे पूछताछ की जाए, और ये जो कार्रवाई जो पुलिस द्वारा की जाए, प्रशासन द्वारा जो की जा रही है उससे कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध कैबिने जो हटाई जा रही है, लोग संतुष्ट हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं राहुल, रात के 10 बज चुके हैं, और क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी, क्या रात भर प्रदर्शन करने वाले हैं या कुछ ही समय में खत्म कर दिया जाएगा? प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं धरने पे भी बैठे हैं, और कुछ प्रदर्शनकारी जो ये कार्रवाई की जा रही है इनके साथ भी है। देखिए इनकी एक मांग और ये भी है कि लगातार जो गोपी मीणा है, देखिए उनका एक स्टेटमेंट भी जो प्रदर्शन स्थल है वहां से सामने आया कि ये जो निर्माण धार्मिक स्थल है, ये जो मस्जिद है, इसकी जो जांच है वो की जाए, इसके जो पट्टे हैं जो निर्माण चुके थे उसकी जांच की जाए, अगर ये अवैध है तो इस पर कार्रवाई जाए, ऐसा कहना है गोपी मीणा का। तो ये देखिए एक मांग ये भी सामने आ रही, इसी को देखते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, 24 घंटे एक नोटिस दिखाया गया कि 24 घंटे में इनको अपने जो साक्ष्य है, यानी कि राहुल जो मुख्य मांगे थी उन्हें पूरा कर लिया गया, पहला ये अतिक्रमण हटाने की, और जामा मस्जिद को नोटिस भी थमा दिया गया है नगर पालिका की ओर से, और दूसरी तरफ कार्रवाई भी की गई, आरोपियों के खिलाफ 9 लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है, अभी किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, प्रदर्शन अभी भी इनकी वार्तालाप जारी है। देखिए जैसे हमने पहले भी बताया, इनका कहीं ना कहीं कहना है कि और भी मुख्य लोग इनके पीछे हैं, कोई सरगना इनके पीछे हो सकता है, तो इनसे पूछताछ करके या फिर पुलिस अपने हिसाब से अपने एंगल से इनसे बात करते हुए उन लोगों को भी डिटेन करे। देखिए अभी भी बातचीत का दौर जारी है, तो कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार से पूरा माहौल वहाँ पर है, जी विधायक अभी वहीं पर है? जी बिल्कुल, विधायक वहीं पर है, जनता के बीच में है, प्रशासन से भी बातचीत कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो वहाँ माहौल एक तरीके से देखा जाए जो गरमाया हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर लोगों से बातचीत करके समझाइश कर रहा है ताकि शांति बने रहे। बिल्कुल, तो बातचीत करते हुए समझाइश का दौर जारी है, लेकिन राहुल क्या लग रहा है कब तक समझाइश कर ली जाएगी, क्योंकि पुलिस की ओर से तो एक्शन लिया गया है, अभी क्या माहौल उस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आक्रोश बहुत आक्रोश साफ देखा जा रहा था, थोड़ी देर पहले तक लोगों में बहुत आक्रोश था, पर पुलिस को थोड़ी सी कामयाबी मिली, 9 लोगों को डिटेन किया, जो थोड़ी से लोग थोड़े शांत हुए, फिर देखिए नोटिस दिया गया उस स्थल के लिए कि उनके दस्तावेज पेश किए जाए, फिर प्रशासन से ये भी मांग थी कि इनके और भी अवैध जो आसपास क्षेत्र में जो निर्माण है, जो अवैध निर्माण है, कैबिने बना रखी, दुकानें बना रखी है, उनको तोड़ा जाए, ये भी प्रशासन कर रहा है, लगातार प्रशासन इनसे बातचीत भी कर रहा है। तो हालिया हालात कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़े शांत होते हुए नजर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनकी जो मुख्य मांगे हैं
ये उन पर अभी भी अड़े हुए हैं कि इनके पीछे मुख्य सरगना या फिर जो कुछ लोग अगर हैं तो उन्हें भी सामने लाया जाए। जरूरी भी है पर्दाफाश हो कि पत्थरबाजी के पीछे आखिरकार मकसद क्या था, कौन कौन लोग शामिल हैं, ये पता कर पाना जरूरी है। हालांकि 9 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही पूरे मामले पर पटाक्षेप होगा और पुलिस पूरे मामले पर खुलासा भी करेगी। लेकिन सवाल ये है राहुल कि पुलिस क्या कह रही है, क्या पुलिस को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि पत्थरबाजी की जानी है, इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लोकल इंटेलिजेंस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इस मामले में जो बेवार निकलता है, जो जलजूनी ग्यारस पे एकादशी पे जो जुलूस निकाले जाते हैं उसको लेके पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है। देखिए कई प्रकार की शांति समितियों की बैठक होती है, कई प्रकार की बातचीत होती है, उसके बाद लोगों से बातचीत करके और सही रूप से धार्मिक रूप से इन बेवाणों को निकाला जाता है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। देखिए चप्पे चप्पे पे पुलिस आज वहां पे जाजपुर पे थी, पुलिस की तैयारियां थी, पर पुलिस कहीं ना कहीं इन चीजों से अनभिज्ञ थी। तो जो ये घटनाक्रम अचानक जब सामने आया तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं थोड़ी समय के लिए बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस बहुचक्की रह गई कि अचानक ही हुआ क्या। उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 जनों को डिटेन किया। देखिए जैसे ही ये घटनाक्रम सामने आया तो सबसे पहले वहां पे एडिशनल एसपी जो चंचल मिश्रा है, मैं जाप्ता वहां पे पहुंची, क्योंकि कोठड़ी चारभुजा नाथ में बहुत बड़ा त्यौहार होता है तो पुलिस जाप्ता वहां होता, तो वहां से निकल के सारा पुलिस जाप्ता वहां पहुंचा। और जो एसपी हैं वो भी हाथोंहाथ मौके पे पहुंचते हैं, पूरे मामले की जांच को अपने हाथ में लेते हैं, पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हैं। लगातार पुलिस द्वारा शांति बनाने की अपील भी की गई और 9 जनों को डिटेन भी किया गया। जी बिल्कुल, शांति बनाने की अपील की गई, एक्शन भी लिया पुलिस ने, लेकिन निश्चित तौर पर चूक हुई है पुलिस की ओर से, क्योंकि शोभा यात्रा निकालने से पहले पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई, पुलिस भी वहां पर मौजूद रही, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी रह गई पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो हालात इस वक्त वहां पर हुए हैं, जहां पर ये पत्थरबाजी हुई, मस्जिद के पास की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां से पत्थरबाजी की गई, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े फेंके गए और 5 लोग इसमें घायल हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। और यही वजह है कि लोगों में खासा आक्रोश है इस घटनाक्रम को लेकर, और इसके बाद तुरंत प्रशासन की ओर से एक्शन भी लिया गया है। जो आसपास अतिक्रमण थे, जैसा कि राहुल सहयोगी बता रहे कि लंबे वक्त से इन अतिक्रमणों को हटाने की मांग की जा रही थी लोगों की ओर से, और आज प्रशासन की ओर से इस पर भी एक्शन ले लिया गया है, बुलडोजर गरजाया गया है और जो अवैध निर्माण थे उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। बीच में ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस है जो नगर पालिका ने दिया है सदर जामा मस्जिद को, 24 घंटे का वक्त दिया गया है ये प्रूफ करने के लिए कि जो ये मस्जिद है वो अवैध नहीं है, वैध तरीके से बनाई गई है, सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जामा मस्जिद कमेटी को पेश करने होंगे नगर पालिका के सामने। अगर नहीं पेश कर पाते उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। गोपी मीणा विधायक जो इस वक्त लगातार प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है, न्यूज 18 के साथ जुड़े हुए हैं। गोपी जी स्वागत है न्यूज 18 पर, क्या हालात है और क्या मांगे रखी गई आप लोगों की ओर से? हमारी मांग ये थी मैम, शांतिपूर्वक भगवान का बेवान चारभुजनाथ पीतांबर भगवान का बेवान विधिवत प्रशासन के साथ हम आ रहे थे। मस्जिद के सामने 200-250-300 लोगों ने, मुसलमानों ने बेवान को, हमारे जुलूस को रोकने का प्रयास किया षड्यंत्र पूर्वक योजना से। पुलिस प्रशासन ने बातचीत करके कहा कि भाई शांतिपूर्वक बेवान निकलने दीजिए हमारा, लेकिन काफिरों ने, मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर पथराव, 20-25 लोग ऊपर छिपे हुए थे, पत्थर ऊपर से पथराव कर दिया हमारे जुलूस के ऊपर, हमारे लोगों के, महिलाओं के भी चोटें आई, हमारे कार्यकर्ताओं के लगी भक्तगणों के चोटें आई और पुलिस प्रशासन के भी चोटें आई। क्या लग रहा है आपको, किसी की बड़ी साजिश थी क्या इस पत्थरबाजी के पीछे? ये मस्जिद के अंदर जो अवैध मस्जिद बनी हुई है, यहाँ बाहर से लोग, उपद्रवी लोग, आतंकी लोग, उनके 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 षड्यंत्र पूर्वक या आयोजन पूर्वक हमारे, आप कह रहे हैं आतंकी भी इसमें शामिल है? जी 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 मैम जी, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बड़ी बात बोल रहा हूँ मैम। क्या आपके पास कोई सबूत है इसे लेकर? सबूत तो पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, मेरे खुद के पत्थर लगी, चोट लगी, घायल हुए हमारे 5 महिलाओं को लगी, तो उनको मस्जिद के ऊपर जब पथराव हो रहा था तो क्या आतंकी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ये तो असामाजिक तत्व हुए ना। लेकिन अभी जो मांगे आपकी ओर से रखी गई थी कि एक्शन लिया जाए, 9 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है, अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई कर ली गई, आखिर कब इस प्रदर्शन को खत्म करेंगे आप लोग?
प्रदर्शन समाप्त हो रहा हमारा हमारा हमारी मांग है कि भाई इन अवैध जो निर्माण है काफिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो और इनको सजा कड़ी से कठोर सजा मिले। अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है अब तक की कार्रवाई से हम। बिल्कुल, और चूंकि अतिक्रमण के खिलाफ तो एक्शन ले लिया गया है, 9 लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है, अब नोटिस भी थमाया गया है जामा मस्जिद को जी, ये भी मांग आप लोगों की ओर से रखी गई थी गोपी जी? जी, हमारी मांग प्रशासन ने मान ली है। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारे हिंदू संगठनों को, सामाजिक लोगों को हम संतुष्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रही है, शांतिपूर्ण शांति सौहार्द बना रहे हमारा, ऐसा हम कायम करना चाहते हैं शांतिपूर्ण। क्योंकि आप विधायक हैं वहाँ पे, आपको क्या लग रहा है कि पुलिस की ओर से भी चूक हुई है? क्योंकि पहले ही जानकारी दे दी गई थी शोभा यात्रा निकालेंगे, रूट भी तय था, इसके बावजूद पत्थरबाजी की गई। जी, पुलिस की भी चूक हुई है, पुलिस के भी पत्थर आए हैं सिर पे, उनके भी चोटें आई, पुलिस भी घायल हुए। घायलों से मिले आप, क्या स्थिति है उनकी, इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? अभी मैं वहीं से आया हूँ, हमने नोटिस उस मस्जिद के सामने नोटिस सस्पा कर दिया, दोनों अवैध मस्जिदों के। 24 घंटे में प्रशासन ने उनसे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज मांगे हैं। घायलों की स्थिति गोपी जी, बातचीत हो गई? घायल थोड़े ठीक है, घायल सुधार हम ठीक है। शुक्रिया आपका गोपी जी न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक गोपी मीणा न्यूज 18 के साथ जुड़े, जो बता रहे हैं कि कुछ ही समय में इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगे उनकी ओर से रखी गई थी वो सभी मांगे मान ली गई है। जामा मस्जिद को नोटिस भी थमा दिया गया है, जो आसपास अवैध निर्माण थे उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया है, और साथ ही साथ 9 लोगों को डिटेन करके पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि आतंकवादी हमला था। खैर, इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है कि आखिर ये पत्थरबाजी क्यों की गई। 3 अलग अलग तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी कि निर्माणों को ध्वस्त किया जाए, इसके चलते लोगों को भी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन आज जब इस मामले ने तूल पकड़ा, वहां पर पत्थरबाजी की गई, बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए, खुद विधायक गोपी मीणा भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाता तब तक वो वहीं पर डटे रहेंगे, और यही वजह है कि फौरन पुलिस की ओर से भी एक्शन लिया गया, प्रशासन की ओर से भी एक्शन लिया गया, 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। हालांकि पुलिस इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दे रही है कि पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासे हुए, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मकसद पत्थरबाजी के पीछे। राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कुछ लोग जख्मी हुए थे, उनके घर वालों की ओर से कोई अपडेट क्या है, उनकी मांगे इसे लेकर भी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो अब तूल पकड़ चुका है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, जहां पर विधायक गोपी मीणा लोगों के बीच पहुंचे, खुद इस प्रदर्शन में वो भी शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज बेहद खास दिन था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस शोभा यात्रा पर जब पथराव हुआ तो लोगों में भारी आक्रोश नजर आया। तो अवैध अतिक्रमणों को अब हटाया जा रहा है, जो अवैध निर्माण वहां पर किए गए थे उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल जी न्यूज 18 पर जुड़े हुए हैं। दामोदर अग्रवाल जी, स्वागत है न्यूज 18 पर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? नमस्कार जी। भीलवाड़ा सॉरी शाहपुरा जिले के जाजपुर कस्बे में आज जल जूलनी एकादशी को बेवान पर पथराव हुआ था, उसके कारण वहां पर लोगों में रोष व्याप्त हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास है राजस्थान सरकार का कि वहां शांति की बहाली हो। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी समय में शांति की बहाली हो। आप चूंकि सांसद है वहां से, जो असामाजिक तत्व जिन्होंने पत्थरबाजी की, कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? मेरे पास जितनी जानकारी है, क्योंकि मैं घटनास्थल पर नहीं हूँ, पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से कार्रवाई करी है, पुलिस प्रशासन ने, और इसलिए मुझे लगता है कि अब शांति की बहाली होगी। जामा मस्जिद 12 लोगों की या 9 से अधिक लोगों की नोटिस थमाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? अगर इलीगल पाया जाता है निर्माण तो क्या उसे भी ध्वस्त किया जाएगा?
अभी इस विषय में कहना जल्दबाजी होगी। नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है, 24 घंटे में दस्तावेज मांगे हैं, दस्तावेज आने पर ही कोई बात बन पाई। विधायक साहब जुड़े थे हमारे साथ, वो तो कह रहे हैं कि ये इल्लीगल है, इसे तो हटा दिया जाना चाहिए। कागज सामने आने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और कार्रवाई क्या करेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है? 9 लोगों को उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जैसे मुझे जानकारी मिली। 12 लोगों की? हाँ, पहले पुलिस ने 9 को पकड़ा, शायद 3 को और पकड़ाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दामोदर जी न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो सांसद हमारे साथ जुड़े भीलवाड़ा के दामोदर अग्रवाल जी, जो बता रहे हैं कि पहले 9 लोगों को डिटेन किया गया और शायद 3 और लोगों को पकड़ा गया है। पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है, जितने भी पत्थरबाज थे उन्हें अब पकड़ लिया गया है। लेकिन ये पत्थरबाजी क्यों की गई, क्या साजिश थी इसके पीछे, क्या मकसद था, कौन कौन लोग शामिल है, क्या इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश, कुछ बड़ा करने की कोशिश की गई थी लोगों की ओर से, इसे लेकर हालांकि फिलहाल पूछताछ की जा रही है। लेकिन उम्मीद यही है लोगों को कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांसद कह रहे हैं कि जो उचित कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कार्रवाई लगातार की जा रही है प्रशासन की ओर से। लेकिन जो भी हो, लोगों में गुस्सा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सड़क से शोभा यात्रा गुजर रही थी, लोग खुश थे, नाच गा रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक से बड़े बड़े पत्थरों से पत्थरबाजी कर दी जाती है। हरकत में जहाजपुर प्रशासन आया है शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी को लेकर। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाजपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहाजपुर प्रशासन ने अवैध कैबिनों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। भारी पुलिस बल जहाजपुर में इस वक्त तैनात किया गया है जिससे कि हालात खराब ना होने पाए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, भीलवाड़ा में हुए बवाल की तस्वीर। अभी भी कुछ लोग प्रदर्शन स्थल पर डटे हुए हैं। हालांकि अब लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत जरूर हुआ है क्योंकि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है। जैसा कि सांसद हमारे साथ जुड़े थे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है और यही वजह है कि लोग जरूर थोड़ा गुस्सा कम हुआ है, लेकिन अभी प्रदर्शन स्थल पर डटे हुए हैं। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मौके से। राहुल, क्या हालात वहां पर? जमा है जो देसी भी एक्शन वहाँ के जाजपुर प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है उसको देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो 9 लोगों को डिटेन किया है और जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है, नोटिस दे दिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा शांत होता हुआ नजर आ रहा है। पर लोगों की अभी भी लगातार मांग है कि इस तरीके से जो अवैध कब्जे हैं, अवैध रूप से जो कैबिनें बनाई गई है, इन पे कार्रवाई हो। जो पूरे दामोदर अग्रवाल जुड़े थे राहुल, वो बता रहे थे, आप इसे कंफर्म करिएगा, वो कह रहे हैं कि 9 लोगों को पहले डिटेन किया गया था, 3 और लोगों को डिटेन किया गया, आप कुल 12 लोगों को। जी बिल्कुल, हमने भी खुद थोड़ी देर पहले जो हमारे हम जब बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि 9 जनों को डिटेन किया गया है, कुछ और लोगों को डिटेन करने की भी सूचना सामने आ रही है। तो लगातार पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। तो लगभग 9 जनों और उसके अलावा जो 3 से 4 जनों को डिटेन किया गया है, तो पुलिस को सफलता मिलती हुई साफ नजर आ रही है। कहते हैं इसको देखते हुए वहां के जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकर्ता हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी संतुष्टि आई है कि पुलिस द्वारा लगा बहुत ही जल्दी एक्शन लिया गया है। देखिए, फिर सबसे बड़ी बात है जो वहां का जो प्रशासन है वो हरकत में आया, जाजपुर प्रशासन हरकत में आया। जो अवैध कब्जे थे, जो अवैध रूप से कैबिनें बनाई गई थी, उनको तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में संतुष्टि नजर आई है। देखिए, बेवान जो जलजुली जारत का जो निकलता है साल में एक बार, जब यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है उसको कहीं ना कहीं आज नुकसान पहुंचाने की, रोकने की कोशिश की गई। बिल्कुल, ये पत्थरबाजी कई बड़े सवाल खड़े करती है और जरूरी है कि जो पत्थरबाज है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिया जाए ताकि दोबारा इस तरीके से वो पत्थरबाजी करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।